गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक स्ट्रेटजीज फॉर इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर परसेप्शन। देयर आर फाइव स्ट्रेटजीज फॉर इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर परसेप्शन। वी स्टार्ट विद फर्स्ट वन, मेजर एंड मैनेज कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सर्विस क्वालिटी। तो कहते हैं जो हमारी स्ट्रेटजी है उसमें हम क्या चेक करेंगे, ट्रैक करेंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को स्कोर करेंगे विद कहते हैं सर्विस क्वालिटी। ठीक है, दोनों को हम मेजर करेंगे जिसमें हमें क्या पता चलेगा कि कोई कंज्यूमर क्या है, किस वे से उनकी सर्विस को परसीव कर रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। सेकेंड है एम फॉर कस्टमर क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन इन एवरी सर्विसेज इनकाउंटर। तो कहता है एवरी सर्विसेज इनकाउंटर, कहता है जब भी हम क्या है किसी कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो कहता है कस्टमर की क्या है परसेप्शन क्रिएट होती है। तो कहता है वो जो परसेप्शन क्रिएट होती है वो क्या है, मोमेंट ऑफ ट्रूथ होती है, जिससे क्या है कस्टमर अगर परसेप्शन पॉजिटिव रहेगी तो वो क्या है वर्ड ऑफ माउथ का काम करेगी, अदरवाइज कहता है नेगेटिव इमेज क्रिएट होगी। तो कहता हम हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि उनकी जो क्या है 100% कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए विद देयर सर्विसेज, जीरो डिफेक्ट होना चाहिए। तो कहता है मार्केटर का क्या एम रहता है कि कस्टमर क्वालिटी और सेटिस्फैक्शन कहता है इन एवरी सर्विसेज इनकाउंटर पे होनी चाहिए। उसके लिए वो कुछ स्ट्रेटजीज तैयार करता है। फर्स्ट है प्लान फॉर इफेक्टिव रिकवरी। कहता है सपोज अगर क्या है सर्विसेज फेल हो जाती है तो कहता है कस्टमर की परसेप्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहता है हमें क्या है वो सर्विसेज जो क्या है फेल हुई हैं उनकी रिकवरी करनी आनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड टाइम हमें उसे क्या है राइटली अटैम्प्ट करना चाहिए, राइट दी सेकेंड टाइम, ये असेंशियल है। कहता तब ही हम अपने कस्टमर को रिटेन करके रख पाएंगे। अगर सेकेंड टाइम भी हमारी सर्विसेज फेल हो जाती है तो कस्टमर क्या है स्विच कर जाएगा। तो कहता हमें क्या है जो सर्विसेज फेल हुई है उसका क्या रीज़न था वो भी हमें क्या है कहता पता होना चाहिए, किस वजह से हमारी जो सर्विसेज हैं वो फेल हुई हैं और उसके लिए हमें क्या है रेमडीज़ क्या यूज़ करनी पड़ेगी कि हम अपनी जो सर्विसेज फेल हुई हैं उनको क्या है सही कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास फैसिलिटेटिंग अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कहता कस्टमर परसीव करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्विसेज डिज़ाइन है वो क्या है फ्लेक्सिबल नेचर का होना चाहिए। तो कहता कस्टमर क्या है ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होती है क्योंकि वो क्या है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है सर्विसेज डिज़ाइन में चेंज ला सकता है। सिमिलरली कहता है जब क्या है रिजिड नेचर की कहता है सर्विसेज होती है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते तो वो क्या है एक नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे छोड़ती है, नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट होती है कस्टमर के माइंड में। तो देयरफॉर कहता है कस्टमर को पता होना चाहिए कि क्या हर जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी है। तो कहता ये पता हो कि कस्टमर जो सर्विसेज प्रोसेस है वो फ्लेक्सिबल नेचर का है या नहीं है। तो कहता है अगर फ्लेक्सिबल नेचर का होगा तो हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सर्विसेज में डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं, उसके प्रोसेस में चेंज कर सकते हैं। थर्ड वन है हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ कोप विद प्रॉब्लम कस्टमर। तो कहता है जो हमारे क्या है मेन्यू ओकेजन कस्टमर क्या है हमेशा राइट नहीं होता, समटाइम वो अनयूजुअल रिक्वेस्ट करता है फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडर। तो कहता है मैनेजमेंट को उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, ठीक है, एक्नॉलेज करना पड़ता है, बट क्या है उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली वो कहता सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते। समटाइम कहता जो फ्रंट लाइन हमारे मैनेजर होते हैं वो अवेयर नहीं होते हैं, सो उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है कि जो हमारे कस्टमर है दे आर किंग, बट कहता उनको हमें क्या है प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए जिससे क्या है वो अनरियलिस्टिक जो प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक कस्टमर है, अनरीजनेबल कस्टमर है, उनके साथ क्या है वो डील कर सके। नेक्स्ट है मैनेज क्वालिटी डिमेंशन एट ए इनकाउंटर लेवल। तो कहते हैं स्ट्रेटजीज डेवलप करने की जरूरत पड़ती है। कहता हम अपनी सर्विसेज क्वालिटी को फाइव डिमेंशंस के अकॉर्डिंगली चेक करेंगे, रिलायबल है, रिस्पॉन्सिवनेस, इंश्योरेंस, एम्थी एंड टेंजिबल। ये हमारी क्या है फाइव डिमेंशंस है सर्विसेज क्वालिटी के, जिनके बेसिस पे हम क्या है चेक करेंगे कि हमारी सर्विसेज कैसी हैं, हम इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, इन फाइव पैरामीटर के बेसिस पे। देन हम क्या है स्ट्रेटजीज, ये फाइव डिमेंशंस हमें क्या हेल्प करेंगी स्ट्रेटजीज को डेवलप करने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्ट एविडेंस ऑफ सर्विसेज। तो कहता
कंज्यूमर कहता एनालिसिस करता है सर्विसेज एविडेंस बिफोर कहता परचेजिंग ए सर्विसेज फ्रॉम द सर्विसेज प्रोवाइडर, ठीक है। तो वो क्या है, जो हमारा एविडेंस है फिजिकल इन्वायरमेंट है उससे क्या आइडिया लगाते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो कहता वहाँ पे क्या है, फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ क्या है प्रॉपरली क्या है कम्युनिकेशन करें अपने कस्टमर के साथ, और उन्हें क्या है प्रॉपरली जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेसेस हैं एम्प्लॉयज़ को उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वो क्या है कस्टमर की हेल्प करने के लिए रेडी हो। तो कहता जो कस्टमर है वो क्या एनालिसिस करता है, लेआउट कैसा है, सर्विसेज कैसे डिलीवर की जा रही हैं, फ्लेक्सिबल नेचर की है रिजिड नेचर की है। तो कहता है जो हमारा जो फिजिकल एविडेंस है वो क्या है रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह की सर्विसेज कोई भी सर्विसेज प्रोवाइडर दे रहा है। नेक्स्ट है कम्युनिकेट एंड क्रिएट ए रियलिस्टिक इमेज। तो कहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि जो भी प्रॉमिस किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही सर्विसेज डिलीवर की जाए, ठीक है। तो कहता है ये जस्ट एक कम्युनिकेशन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में भी वही प्रॉमिस क्या है कस्टमर को डिलीवर करना चाहिए जो हमने प्रॉमिस किया है। तो कहता है ये क्या है पॉजिटिव कहता इफेक्टिव माइंड में कस्टमर के छोड़ेंगे, ठीक है। तो कस्टमर के माइंड में पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट होगी। तो कहता हमें क्या है जो पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट होगी तो वो किसका काम करेगी, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन फ्रॉम दी कस्टमर एंड। कस्टमर अपने फ्रेंड्स को क्लीग्स को ठीक है रिलेटिव्स को फैमिली मेम्बर्स को कहता पॉजिटिवली उस कहता सर्विसेज प्रोवाइडर की कहता कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है वर्ड ऑफ माउथ करेगा जो क्या है कस्टमर की सेल जो हमारी क्या है ऑर्गेनाइजेशन की सेल को इन्हांस करेगा। इन्हांस कस्टमर परसेप्शन अबाउट द क्वालिटी वैल्यू एंड क्वालिटी थ्रू प्राइसिंग। तो कितना क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब हम क्या है सर्विसेज डिलीवर करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है। तो कस्टमर कहता है क्वालिटी को किसके बेसिस पे इवैल्यूएट करते हैं, प्राइस के बेसिस पे करते हैं जो उस पर्टिकुलर सर्विसेज का सेट किया गया है। अगर कहता है मिसमैच होता है क्वालिटी और प्राइस में तो कहता है कस्टमर क्या है कहता डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर कहता जो कस्टमर को वैल्यू मिल रही है कहता अगेंस्ट ए सेट प्राइस वो ज़्यादा है तो कस्टमर क्या है डिलाइट फील करेगा। अगर ग्रेटर वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है एज़ कम्पेयर टू कहता हमें क्या है जो सेट प्राइस किया गया है उससे ज़्यादा हमें वैल्यू मिल रही है तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा। अगर क्या है मिसमैच हो जाता है ठीक है क्वालिटी और वैल्यू में, क्वालिटी हमें अच्छी नहीं मिल रही बट वैल्यू ज़्यादा है तो कहता कस्टमर क्या है डिससेटिस्फाइड हो जाता है। थैंक यू।